हेलो एंड वेलकम गाइस, आई एम योर ब्रदर अक्षतरा। आप देखना स्टार्ट कर चुके थोड़ा अंडर एस्टिमेटेड और बहुत ही प्यारे कॉलेज का रिव्यू, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर, है ना। इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ, प्लेसमेंट, टॉप रिक्रूटर सारा कुछ कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडमिशन प्रोसेस से। तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जेईई मेन का एग्ज़ाम या फिर छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग टेस्ट का एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों को डीटीई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद एक रैंक मिलती है, उस रैंक के बेसिस पे यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। कॉलेज की बात करें तो कॉलेज का एस्टैब्लिश ईयर 1983 है, जो कि काफ़ी पुराना है ना। और कैंपस एरिया 69 सेक्टर में फैला हुआ है, जो कि डिसेंट कैंपस एरिया है। वहीं कोर्सेज ऑफर इन बीटेक इन जीईसी जगदलपुर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेकंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फोर्थ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिफ्थ सिविल इंजीनियरिंग और लास्ट वन माइनिंग इंजीनियरिंग। पर ईयर इनटेक की बात करें तो 270 सीट्स पर ईयर ओपन होती है बच्चों के लिए। वहीं फैसिलिटीज़ अगर देखा जाए तो फैसिलिटीज़ आप लोगों को ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन दिमाग में लेकर नहीं जाना है कि काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलने वाला है। हाँ, डिसेंट फैसिलिटीज छोड़ा वो जो छोटा छोटा बड़ा कॉलेज में होता है वो तो देखने को मिल ही जाएगा, है ना। और अगर बात करें फ़ी की तो फ़ी यहाँ पर ठीक ठाक है, डिसेंट फ़ी है, फ़ी कुछ ज़्यादा फ़ी नहीं है यहाँ पर। फ़ी फर्स्ट ईयर का फ़ी 22,250 रुपीज़ फर्स्ट ईयर का फ़ी। वहीं फोर ईयर टोटल फ़ी की बात करें तो 89,000 के आसपास में आप लोग को तो फोर ईयर टोटल फ़ी कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा। और वहीं अगर बात करें इतना सारा फ़ी है, कुछ कुछ बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे तो फ्री में पढ़ाई होता है। हाँ, फ्री में ही होता है क्योंकि स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा इसमें, है ना। तो फ़ी आपको बहुत कम लगने वाला है। और इसके बाद देख लेते हैं हमारा कट ऑफ, है ना। तो कट ऑफ देख लेते हैं हमारा छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग टेस्ट एग्ज़ाम 2023 बॉयज़ का जो कट ऑफ था वो हम लोग देखने वाले हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल के बच्चों के लिए ओपन हो रहा होता है 54.86 पे, वहीं पे क्लोज हो रहा होता है 52.30 पे। ओबीसी ओपन हो रहा होता है 52.34 पे। एससी कैटेगरी ओपन हो रहा होता है 50.32 पे। एसटी कैटेगरी ओपन हो रहा होता है 38.32 पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जनरल के लिए ओपन हो रहा होता है 51.28 पे और क्लोज हो रहा होता है 49.34 पे। ओबीसी के लिए ओपन हो रहा होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 50.30 पे। वहीं एससी कैटेगरी के लिए ओपन हो रहा होता है 44.28 पे। एसटी कैटेगरी ओपन होता है 43.26 पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल के लिए ओपन होता है 50.30 पे। ओबीसी के लिए 41.26 पे। एससी के लिए 43.26 पे। एसटी कैटेगरी के लिए 38.32 पे। सिविल इंजीनियरिंग जनरल के लिए 52.36, ओबीसी के लिए 49.32, एससी कैटेगरी के लिए 45.26, एसटी कैटेगरी 46.26। माइनिंग के लिए जनरल के बच्चों के लिए 44.30 पे ओपन हो रहा होता है। वहीं ओबीसी ओपन हो रहा होता है 42.28 पे। एससी कैटेगरी ओपन हो रहा होता है 33.26 पे और एसटी कैटेगरी ओपन हो रहा होता है 33.24 पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जनरल के लिए ओपन हो रहा होता है 45.28 पे। ओबीसी के लिए 43.38 पे। एससी कैटेगरी के लिए 37.22 पे। एसटी कैटेगरी 30.16 पे। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज का जो अभी तक का जो हाईएस्ट ऑन कैंपस रहा है वो 2.5 लाख है। मीन्स कंपनियाँ आती तो हैं, है ना। मीन्स कंपनी कॉलेज में आती है। और जिसमें से कौन कौन सी कंपनियाँ आती है, TCS हैदराबाद, टाटा मोटर, पाई प्राइवेट लिमिटेड, ये सब कंपनियाँ आपको कैंपस में विजिट करते हुए दिख जाएंगी, है ना। और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर इस कॉलेज के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का डॉट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।